आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बूम प्लेसर से कास्टिंग कैसे होती है। तो आज हमारी साइट पे स्लैब कास्टिंग हो रही है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेडी मिक्स कंक्रीट से भरा मिलर है, इसको ट्रांजिट मिक्सर TM भी बोलते हैं। इसका काम है RMC प्लांट से कंक्रीट को साइट तक लाना। इसका मिक्सर कंटिन्यू रोटेट होता रहता है ताकि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बनी रहे। हमारे इस TM की कैपेसिटी दोस्तों 7 M³ है, ये एक बार में 7 M³ साइट पे लेके आता है। मिलर से कंक्रीट को कंक्रीट पंप के द्वारा जहाँ पे आपको कास्टिंग करनी है वहाँ तक कंक्रीट को पहुँचाया जाता है। ये दोस्तों बूम प्लेसर है, ये सेल्फ हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है। इसका उपयोग मास कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट में किया जाता है, जैसे ब्रिज, कैनाल, डैम आदि में। बूम प्लेसर दोस्तों कंक्रीट पंप ही होता है जिसको ट्रक के ऊपर फिक्स किया जाता है। इसको ट्रक माउंटेड पंप भी बोलते हैं। इसका बूम आर्म भुजा की तरह काम करता है, यह रिमोट से कंट्रोल होता है। जहां कंक्रीट मिक्स की ज़रूरत है वहां पे ये कंक्रीट मिक्स को पहुंचा देता है। बूम प्लेसर का यूज़ हाई राइज प्रोजेक्ट में किया जाता है। वर्टिकल हाइट जहां ज़्यादा होती है वहां पे नॉर्मल पंप यानी कि स्टैटिक पंप से कंक्रीट मिक्स को अपलिफ्ट करना मुश्किल होता है। दोस्तों जो स्टैटिक पंप होते हैं उसमें पाइप को फिक्स करने में टाइम लगता है, बार बार पाइप को उठाकर मैनुअली जगह चेंज करनी पड़ती है, इसलिए पोरिंग में भी बहुत टाइम लगता है और लेबर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार पाइप में कंक्रीट फंस जाता है, मैनुअली सब काम करना पड़ता है, तो मास कंक्रीटिंग करने के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बूम प्लेसर से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, इसलिए बूम प्लेसर बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। दोस्तों बूम प्लेसर कंक्रीट कास्टिंग को आसान बना देता है, ये टाइम को बचाता है जो स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क प्रोग्रेस को बढ़ा देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे और भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे।